जहां पर वीकनेस है, अब 8.5% हो गया। HDFC बैंक को IEX ने ओवरटेक कर लिया है एज टॉप लूजर इन ट्रेड राइट नाउ। IEX ने HDFC बैंक को ओवरटेक कर लिया, टॉप लूजर बाय द करवर का IEX है। क्या बात है, थ्रू द डे HDFC बैंक था, अब IEX हो गया है 9.5% नीचे, 8.5% नीचे। जी आपको तो गिरावट अब IEX पर आपको ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। एक बार इस पर भी राय ली जाए, इसके चार्ट पर भी नज़र डालते हैं। सचिन जी भी हैं हमारे साथ। सचिन जी जरा देखें सर, गुड आफ्टरनून। IEX का चार्ट सुबह से ही कमज़ोर है, अब फ्रेश वीकनेस है, 8.5% का कट। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून जी। क्लियरली आई थिंक जिस इंटेंसिटी से 160 का लेवल इसने गैप से तोड़ा है, तो आई थिंक नियर टर्म के लिए तो रेजिस्टेंस यहाँ पर यू नो बन चुका है। एंड नीचे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है 140 के पहले, तो मुझे लग रहा है ये जो गिरावट अभी यू नो अनलॉक हुई है, ये फर्दर कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। डेटा के लिहाज से तो 140 एक अहम यू नो सपोर्ट जोन होगा, बट आई थिंक वहां पर भी प्राइस एक्शन एक बार रिव्यू करने की जरूरत होगी। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की शॉर्ट पोजिशन है तो आई थिंक मेंटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 162 के आसपास के ही डिफाइन हो रहे हैं, बट जल्दबाजी नहीं करनी है एक कोई बॉटम ढूंढने की। मुझे लग रहा है एक फ्रेश डाउनसाइड यहां पर ओपन हुई है एंड पहला लेग 140 के आसपास प्लेस्ड है। बॉटम ढूंढते रह जाओगे ये कहना है आपके लिए सचिन जी का। तो ढूंढने की कोशिश ना करें, जल्दबाजी भी ना करें। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कमजोर आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए।